राजीवगंज जी, स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। और आपका ये पहला गुफ्तगु आपसे हम कर रहे हैं और बहुत ही अहम मसले पर कर रहे हैं। और ये मसला एक नफरत का जो नैरेटिव है पूरे देश में कई साल से चल रहा है, उसमें कमी की जगह और इजाफा लगातार होता नजर आ रहा है। और अभी सुदर्शन टीवी नाम का एक चैनल है और उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना कंटेंट ट्विटर में डाला है, और जिसको वो कह रहे हैं कि वो उनके टीवी चैनल पे भी आएगा। और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुस्लिम आईएएस और आईपीएस जो बड़ी संख्या में आ रहे हैं पास होकर यूपीएससी से, ये जिहादी हैं, और क्या आप चाहेंगे कि जिहादी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिहादी सेक्रेटरीज आपके मंत्रालय में हो। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारा नफरत फैलाने की, समाज में नफरत फैलाने के अंदेशे से किया गया है। यूपीएससी की ऑब्जेक्टिविटी पे बड़ा सवाल है। ये सारे लोग जो आ रहे हैं, भारत का संविधान डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कितनी भी संख्या में कोई भी आ जाए। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत तफसील से मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बयान कर चुकी है कि जिनकी संख्या 14% पॉपुलेशन में है और रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में 3% भी नहीं है। ऐसे पूरे माहौल में ये जो खबर अभी चलने जा रही है, जो नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है, आप क्योंकि 73 बैच के आईएएस रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, जामिया के वाइस चांसलर रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन? टंडन साहब, असली बात तो यह है, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया गैर जिम्मेदाराना। ये ट्विटर की रिपोर्ट है, मैं इसको हास्यप्रद समझता हूँ। और मेरी मेरी नजर में तो इसको इतनी तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तो इस किस्म की हरकतें लोग करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हिंदुस्तान इतना विशाल है, हमारा दिल बड़ा है, कि इन लोगों से इतना ज्यादा असर होगा नहीं। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि कोशिशें जारी हैं और कोशिशों से लड़ना हमारा हमारा फर्ज है। ये जो मुझे उन साहब का नाम नहीं मालूम है, हालांकि मैंने उनका ट्विटर क्लिप देखा है, कि कुछ बचपने जैसा क्लिप है उनको, शायद एक तो उन्होंने जामिया का नाम लिया है। मैं आपको बताऊं कि शायद उनको जामिया का इतिहास नहीं मालूम। देखिए, जामिया 100 साल पहले शुरू हुआ था और जामिया की बुनियाद रखी थी गांधी जी ने। अब ये अलग बात है कि इन साहब की शायद आइडियोलॉजी भी गांधी जी से मुख्तलिफ हो, ये भी हो सकता है, आइए लेकिन हमें फक्र है। गोडसे की आइडियोलॉजी क्या है? अब वो जो भी आप कहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि इनकी आइडियोलॉजी जामिया की आइडियोलॉजी से सर्टनली अलग है। गांधी जी ने हमारी बुनियाद रखी थी 100 साल पहले। सर जमना लाल बजाज हमारे पहले ट्रेजरर थे, और जब जामिया को माली तकलीफ हुई तो सर जीडी बिरला ने उनको पैसे दिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 1922 में जब माली हालत और बहुत खराब हो गई थी, तो गांधी जी ने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान भर में घूमूंगा और पैसे इकट्ठे करूंगा, लेकिन जामिया को मैं बंद नहीं होने दूंगा। गांधी जी का बेटा वहां पढ़ा और गांधी जी के बेटे ने वहां पढ़ाया, तो ये तो हमारा इतिहास है। जामिया के दरख्त के नीचे खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू ने आजादी के मंसूबे बनाए, ये हमारा इतिहास है। और आजादी की लड़ाई में जामिया के टीचर्स, उनके बानी, उनके स्टूडेंट्स जेल गए, ये हमारा इतिहास है। तो ये साहब जो हैं, अनफॉर्चुनेट है कि इनको हमारा इतिहास मालूम नहीं है। इनको शायद ये भी नहीं मालूम कि जामिया अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी 50% से ज्यादा वहां पर नॉन मुस्लिम्स पढ़ते हैं। उनको कहिए कि जरा वो इंजीनियरिंग फैकल्टी में जाएं, आर्किटेक्चर फैकल्टी में जाएं, डेंटिस्ट्री में जाएं, और देखें कि हमारा माहौल क्या है। हमारे हॉस्टल्स में हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध किस तरह रहते हैं और हम किस तरह हर एक फेस्टिवल मिलके मनाते हैं। नहीं, तो ये तो एक बिल्कुल गलत फहमी है। जंग साहब, जामिया का एक तारीखी जो है गोल्डन हिस्ट्री रही है तारीख में, और
ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन हाल फिलहाल की बात है, इन्हीं मोदी सरकार के अभी कुछ महीने पहले की बात है कि जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नंबर वन यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग, और वहां से निकले हुए लोग हमारे मीडिया में बहुत सारे बड़े पोजीशंस में है, सीनियर पोजीशंस में है, मीडिया से बहुत अच्छे लोग वहां से पत्रकार बने हैं और हर फैकल्टी में, समाज की हर फैकल्टी में गए। जामिया के आप वाइस चांसलर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जामिया के जिहादी, ये कैसे मतलब आप इसको देखते हैं? किस मैं वाकई हंस रहा हूं, क्योंकि ये अजीब एक विडंबना है, ये अजीब बदकिस्मती है देश की कि यहाँ के एक टेलीविजन चैनल हिंदुस्तान की मिट्टी से जो आए हुए बच्चे हैं उनका इतिहास नहीं समझ रहा, उनका दिल नहीं समझ रहा, उनका दिल तोड़ रहा है। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो हमारा भविष्य बनाएंगे और हमें इनको बहुत धीरे से बहुत संभाल के रखना है, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ानी है। इसमें देखिए टंडन साहब, कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की कॉन्फिडेंस में एक बहुत कमी आई है, एक अजीब सा खौफ हो गया है, और इसको इसको बढ़ाने के बजाय ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे समाज को अपने साथ लेके चलें। कोई भी मुल्क 15-16-14% अपनी माइनॉरिटी को ले छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो ये कहता हूं आपसे कि 15-16% माइनॉरिटी होती नहीं है, और मैं आपसे फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है, हमारे 85-80% लोग हिंदू हैं, इसलिए हिंदुस्तान आज सेक्युलर है। तो ये अगर 10-12% एक फ्रिंज एलिमेंट ऐसी हास्यप्रद बातें करता है, मेरे लिहाज में तो मैं इसको इग्नोर कर देता। आपने चूंकि कहा कि इससे बात की जाए तो मैं कर रहा हूं, लेकिन वाकई मेरे लिए हंसने की बात है। लेकिन जंग साहब, ये फ्रिंज एलिमेंट अब नहीं है, ये उसकी बराबर मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी है, सत्ता में है यहाँ ऐसी विचारधारा के लोग। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि कानून को, जो देश का आईन है, कानून है, वो इसकी इजाजत नहीं देता है, एक बात। दूसरी, अगर आप मुसलमान, क्योंकि आप खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अगर इस तरीके का एक टीवी चैनल कर रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग मुसलमान ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो कलेक्टर है या सेक्रेटरीज है या किसी भी महकमे में है, उनके जो पब्लिक डीलिंग है उनके प्रति अविश्वास पैदा होगा जनता में, तो इस पे रोक लगनी चाहिए ना, इस तरीके के कानूनी कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक तो उस मुसलमान अफसर के दिल में भी देखिए कि जो उस कुर्सी पे बैठा है वो आज क्या महसूस कर रहा है, ये भी हमें एक संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा, और ये उसके साथ कितनी गैर इंसाफी है ये भी हमें देखना है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो कानून है हिंदुस्तान के, इनको स्ट्रिक्टली अगर हम लागू करें, ये जो साहब टेलीविजन पे या ट्विटर पे बोल रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कल कार्रवाई हो जाए, इनको बंद कर दिया जाए, तो ये चीज आगे के लिए सबको सबक मिलेगा। मैं तो, और मुझे मालूम चला है कि शायद जामिया यूनिवर्सिटी भी आज कोर्ट में गई है, मैं ये समझता हूं कि कई ऐसे लोग होंगे जो पुलिस ने एफआईआर करेंगे। और इसमें देखिए टंडन साहब, सबसे खुशी की बात मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये ट्विटर देखा भी नहीं था, तो मैं पहले पुलिस में था, आईपीएस में था, मेरे एक बैचमेट थे कुमावत साहब रिटायर हुए डीजी बीएसएफ होके, कुमावत साहब अजमेर में रिटायर है, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मेरा खून खोल रहा है, ये क्या हो रहा है, और हमने एक ऑल इंडिया पुलिस एसोसिएशन बनाया है, हम इस पे सख्त चिट्ठी लिख रहे हैं, और एक बयान आया जी हाँ। तो मतलब ये गैर मुसलमान आदमी है, एक हम लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, 160 हैं हम लोग, जिसमें फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वगैरह वगैरह, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप कहते हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध अगर कहीं कोई कार्रवाई हो रही हो तो हम उसमें कुछ ना कुछ कहें, और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप ने भी ये चीज को उठाया है, हम उसको भी पब्लिक में लाएंगे, हम ये भी विचार कर रहे हैं कि इसको हम कोर्ट में ले जाएं या ना ले जाएं। तो देखिए हिंदुस्तान की भारी तादाद में गैर मुसलमान भी, आपको नहीं लगता जंग साहब की ये थोड़ा सा कैनवास जो है इस हेट स्पीच का और मुसलमानों के प्रति नफरत का या उनको फ्रिंज में धकेलने का, ये कैनवास बड़ा हो रहा है, प्रोजेक्ट है जो बड़ा हो रहा है,
कि वो कोई पहलू खान की लिंचिंग से बढ़ता हुआ अब वो आईएएस आईपीएस जो मुस्लिम अफसर है उन तक पहुंच गया है। तो ये कोई एक बहुत ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट है जिसका कैनवास मुझे तो बड़ा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 6-7 साल में जैसे आपने किया और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया कि ये कैनवास बढ़ा है, और ये इसलिए बढ़ा है कि जो सरकार है वो सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार का ये अब कंप्लीट दायित्व है कि ऐसी कार्रवाइयों को रोके। ये मेरा ये आपकी बात नहीं बनती कि हम कह दें कि सरकार मिली हुई है या सरकार कम्युनल है वगैरह, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि सरकार को जरूर इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बरक्स जो एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए, जैसे कि CAA है, NRC है, NPR है, इससे लोगों को ये लगा कि ये तो एक कौम विशेष के खिलाफ प्लानिंग है। ये चीजें सरकार को संवेदनशीलता से देखनी चाहिए। CAA में क्या है? CAA में आपने मुसलमानों को, यहूदियों को बाहर रख दिया। अरे भाई, इनको भी शामिल कर दीजिए, आपको कितने पाकिस्तान से मुसलमान यहाँ पर आ जाएंगे शरणार्थी होकर। तो ये जो चीजें संवेदनशीलता वाली हैं, ये सोचने की हैं। ये गृह मंत्रालय को, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा तबका है 15% का, इनको हमें साथ लेके चलना है। इनकी जब भलाई होगी तो हिंदुस्तान की भलाई होगी। जब ये आर्मी में आके अपनी जान देंगे मुल्क के लिए ज्यादा तादाद में, तो पाकिस्तान के हौसले पस्त हो जाएंगे। हमको इनको आगे बढ़ाना है, हमको इनको पुलिस में ज्यादा लेना है। आप जो फरमा रहे थे कि ये इनकी तादाद बहुत कम है, अब ये 3.5% सिविल सर्विसेज में है, 8,400 शायद IAS IPS अधिकारी मुल्क में हैं, जिसमें से 450 या कुछ मुसलमान। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये जो बाहर के लोग आके देखते हैं, ये अच्छा नहीं लगता हमें भी कि इतने हैं। देखिए, अब जो तादाद बढ़ी है, थोड़ी सी आजादे आने लगे हैं, जैसे कि पहले 2 या 3 आते थे, अब 5 या 7 आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20-25 आ गए हों, जो इनसे आपको डर लग गया। इस साल शायद IAS में मुश्किल से 4 या 5 आएंगे, और 4 या 5 पुलिस में आ जाएंगे। तो जहां पर तादाद 30 करोड़ हो रही हो, वहां 10 अफसर IAS या IPS में आ गए। लेकिन ये अच्छा एक साइन है कि कोचिंग अकेडमीज खोली हैं लोगों ने, जो बढ़ावा दे रहे हैं। और आज इसमें जो नंबर भी बढ़ा है पिछले 2-3 साल में, वो इसलिए भी बढ़ा है कि OBCs में कुछ मुसलमानों की कैटेगरी आ गई। मैं नहीं समझता कि ये 2-3 जो आ रहे हैं ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन 2-3 एक्स्ट्रा आने लगे हैं OBCs की वजह से। लेकिन हमको सबको मिलकर देखना पड़ेगा कि जैसे जामिया है, JNU है, दिल्ली है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, जादव, इनमें ज्यादा से ज्यादा हम इनकरेज करें के अल्पसंख्यक आए। मुसलमानों की ही बात ना करें, हम क्रिश्चियंस की भी बात करें। उनके साथ इनको शायद UPSC की वर्किंग के बारे में नहीं मालूम। देखिए, आधे लोग तो संस्था को समझते नहीं है, और ये दुख की बात है, क्योंकि जो लड़का UPSC का इम्तहान दे रहा है आज, लाखों बच्चे, 4-5-6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस IAS के इम्तहान में, 150 सेलेक्ट होंगे। तो आप इमेजिन करिए कि कितना कॉम्पिटिशन वो जीत के आता है, और उसका इस किस्म से दिल तोड़ना, ये तो ये एक बहुत घटिया बात। नजीब जन साहब, अभी आप बात कर रहे थे लिबरल वॉइसेस की, जो सेकुलर आवाजें हैं, या जो भारत के संविधान और डेमोक्रेसी को चाहने वाले लोग हैं उनकी आवाजें हैं, वो कुछ दबती नजर आ रही हैं। और उसमें एक बड़ा रोल है, बड़ा किरदार टेलीविजन मीडिया का है, और जिसका एक नेगेटिव रोल बहुत सामने आया है, नफरत, झूठ, फेक न्यूज और समाज को बांटने वाली तमाम हेटफुल एजेंडा इन न्यूज चैनलों पे चलता है। और वो मैं तो इसको कहूंगा कि पूरा का पूरा रेडियो रवांडा का मॉडल है, और जेनोसाइड की शुरुआत हेट स्पीच से ही होती है। वो कत्लोगारत तो बाद में आता है, पहला स्टेप उसका जो है वो हेट स्पीच है। तो ये मीडिया के बारे में आपका क्या राय है, इस तरीके का हेटफुल एजेंडा मीडिया? टंडन साहब, मेरी मीडिया के बारे में राय बिल्कुल वही है जो आपकी। हम लोग सब बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं रिटर्न मीडिया से भी, और उससे कहीं ज्यादा टेलीविजन मीडिया से।
आप एक तीन चार चैनल छोड़ दीजिए और एक सात आठ नौजवानों को या महिलाओं को छोड़ दीजिए जो साफ निष्पक्ष बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरा एक माहौल बदलने में अनफॉर्चुनेटली एक मीडिया का हाथ रहा है या है, और उससे बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मीडिया लोगों का रुझान बदलने में या बनाने में, सोच बदलने में या बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और ये मेरे ख्याल जिम्मेदारी है इन ओनर्स की जो आज इन इन टेलीविजन हाउसेस को ओन करते हैं, कि वो इस चीज को समझें कि हिंदुस्तान का भविष्य हम एडवर्सली इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा नौजवान जो शाम को बैठ के टेलीविजन चैनल देखेगा जिसमें नफरत की बातें होंगी या सेमी नफरत की बातें होंगी या नॉन लिबरल बातें होंगी, उससे हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, हमारा जो कि इस वक्त डेवलपमेंट स्टेज है, हम सबको साथ चलना, एक नारंगी है इसकी नारंगी को आप खोल देंगे फांक फांक अलग हो जाएगी, हमें इस नारंगी को मजबूत रखना। आपको लगता है जंग साहब की इस वक्त देश के आवाम को अपना एक खुद एक मीडिया खड़ा करना चाहिए, ना कि कॉर्पोरेट हाउसेस का मीडिया जो कि नफरत और की दीवारें जो है वो बड़ी खींच रहा है? तो ऐसी एक कोशिश फ्रीडम एक्सप्रेस के नाम से हम भी कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं और उम्मीदें आपसे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है, लेकिन सवाल ये है कि इतना महंगा हो गया है ये इसको चलाना, एक टेलीविजन चैनल चलाना, और आप कहें कि साहब आप जनता में घूम के 10-10 रुपए 20-20 रुपए या 100-100 रुपए या 10-10,000 रुपए इकट्ठा कर लेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। जो BHU शुरू की थी मालविया साहब ने, तो हिंदुस्तान भर में मालविया साहब घूमे थे राजाओं के पास के साहब हमें चंदा दीजिए हम BHU बनाएंगे, या जब AMU बना था तो पूरे हिंदुस्तान में राजाओं और महाराजाओं के पास और बिल्ला साहब के पास सर सैयद गए थे कि साहब हमें चंदा दीजिए हम बनाएंगे, एक विशाल इंस्टीट्यूशन आपने खड़ा किया, गांधी जी हिंदुस्तान में घूमे जामिया को खड़ा करने के लिए। आप में ये अभी मैं नहीं समझता कि आप में इतना सरमाया इकट्ठा करने का की मीन्स है, आप में एक जज्बा है इसकी मैं कदर करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके साथ और अच्छे लोग जुड़ सकें, लेकिन मुझे दिल में ये शंका है कि क्या आप सक्सीड करेंगे अनलेस आप किसी अच्छे ऐसे सरमायादार को पकड़ लें जो आपकी इमदाद कर सके। जी, हम लोगों की कोशिश यही है और ये चुनौती जरूर है जैसा आप कह रहे हैं, और इस चुनौती को भी हम स्वीकार करते हैं और कोशिश है और कामयाब होंगे ऐसा लगता है, और समाज में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं और वो जरूर चाहते हैं कि एक ऐसा मीडिया हो और नफरत कम हो समाज में, एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ हम बढ़े जो संविधान हमारा इशारा करता है। और रंजन साहब, अगर अच्छे लोग नहीं होते हिंदुस्तान में तो आज ये जो ट्विटर के खिलाफ इतनी आवाजें उठी हैं ये कहां उठती? आज ट्विटर के फेवर में बोलने वाले नहीं दिख रहे मुझे, उसके खिलाफ देख रहे होंगे लोग अलग बात है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले आज लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों में ज्यादा गैर मुसलमान या मान के चलिए। और अफसोस की बात है कि ट्विटर ने उनके मुताबिक जो सुदर्शन चैनल के कर्ता धर्ता है उनके मुताबिक ट्विटर ने उनको क्लीन चिट भी दे दिया है। कोई बहुत इसमें मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि फेसबुक का अभी हम हाल देख रहे हैं कि फेसबुक किस तरीके से लॉबिंग कर रहा था सरकार के साथ, और फेसबुक सर BJP से जुड़े लोगों की हेट स्पीच पे कार्रवाई करने से शर्माता है, डरता है। तो आप तो ये भी एक दौर है, देखिए ये भी एक दौर है, ये दौर भी खत्म होगा, अच्छा दौर भी आएगा, वो सुबह फिर भी आएगी, ये हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो सुबह फिर आएगी, हिंदुस्तान का दौर फिर आएगा, वो सूरज फिर उगेगा जब आप और हम मिलके खुश होंगे कि लिबरलिज्म की जीत हो रही, ये टाइम आएगा। बिल्कुल, ये सुबह जरूर आएगी, और इसी के साथ आपसे फिलहाल इजाजत देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और जिन्होंने ये कहा है इनको शायद UPSC की वर्किंग के बारे में नहीं मालूम,